मध्य प्रदेश में दुष्कर्म को लेकर सियासी बवाल लगातार जारी है एक तरफ सरकार इन घटनाओं पर सख्ती से कार्रवाई करने और इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है वहीं दूसरी ओर विपक्ष इन मुद्दों पर बीजेपी और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं इस बीच पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव से अपील की है कि ऐसे दरिंदे को चौराहों पर फांसी दी जाए चील और कौए इनके शव को नौच खाएं भारतीय जनता पार्टी की पूर्व कैबिनेट मंत्री और महू विधानसभा के विधायक उषा ठाकुर ने बढ़ते दुष्कर्म के मामलों को लेकर चिंता जताई साथ ही विधायक ठाकुर ने इस पर जमकर अपनी भड़ास भी निकाली विधायक उषा ठाकुर ने कहा कि दुष्कर्मियों को सार्वजनिक चौराहे पर फांसी पर लटकाया जाना चाहिए न कि अंतिम संस्कार किया जाए समाज का नैतिक उत्थान ही इन घटनाओं को रोक सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से इसे लेकर उन्होंने अनुरोध भी किया है विधायक उषा ठाकुर ने कहा कानून का खौफ इन दुष्कर्मियों को ठीक कर सकता है दंडात्मक प्रक्रिया में भी कुछ सुधार की आवश्यकता है इन दुष्कर्मियों का अंतिम संस्कार भी नहीं करना दिया जाना चाहिए जिससे दुष्कर्मियों के शव को चील और कौए नोच नोच कर खाए तभी दूसरे लोगों के सामने इस तरह की सजा से मन में डर पैदा होगा और छोटी बच्चियों के साथ घटनाओं पर लगाम लगेगी आपको बता दें इसके तहत पहले भी अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहने बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने मदरसों को लेकर भी सनसनीखेज बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मदरसे में कट्टरता और आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है जिसके चलते सभी मदरसे बंद किए जाना चाहिए